वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम एक्सएनजी, यूएसडी और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स के इंट्राडे टारगेट्स आपको देते हैं। तो आज के लिए जो लेवल्स मांग किए थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कल के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से दो डिसीसिव लेवल्स हमने मांग किए थे। यहाँ से देखिए, सेल साइड एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया। यहाँ से नीचे और गिर रहा था मार्केट ने, लेकिन यहीं से मार्केट ने स्टॉप कर दी मार्केट, और उसके बाद ये मार्केट आज खुली है, यानी कि एक दो दिन के बाद ही मार्केट आज खुली है। तो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है, हमारा जो अपर डिसिसिव लेवल था वहीं पर ही ओपन हुई है मार्केट। उसके बाद मार्केट साइडवेज ही चलती रही, यहाँ पे डोजी 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 कैंडल देखने को मिलता रहा। बेरिश कैंडल हमें यहाँ पर मिली है, इतने सारे डोजेज के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, बेरिश कैंडल बनी, साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो ये एक इंडिकेशन था हमें कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, और वैसे भी यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। इसकी वजह से मार्केट ने फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टारगेट भी यहाँ पर हिट कर लिया। तो सेल साइड के टारगेट्स स्ट्रांगली एक्टिवेट हुए थे, और मार्केट ने अपने सेल साइड के सभी टारगेट्स को हिट भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे हमने डिसिस लेवल मार्क किया था, हमारा गैप डाउन मार्केट ने ओपन किया है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग एक डोजी कैंडल दिया, क्या बुलिश मूव दिया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट ऑल द ऊपर गई है, लेकिन हमारा जो एक लेवल था 137.3, यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेती हुई, कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंस लेती हुई, दो इन दो लेवल्स के बीच में ट्रैप हो गई है। तो मार्केट ने हमारे लेवल्स की जरूर रिस्पेक्ट रखी है, लेकिन इतने गैप डाउन ओपन होने की वजह से हम अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं दे पाए होंगे नेचुरल गैस में। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। तो एक्सएनजी यूएसडी पर शिफ्ट करते हैं, यहां से हम मार्किंग करेंगे कल के लिए। और ये जो हमने डिसिसिव लेवल्स मार्क कर रखे थे, एक तो यही रहेगा लेवल हमारा, इसको हम ग्रीन ही कर लेते हैं, इसको आप ग्रीन मार्क कर लीजिए, साथ में 1.846 इसको भी आप ग्रीन मार्क कर लीजिए। अब हमारे पास जो डिसिसिव लेवल है वह 1.828 का लेवल, ये ब्रेक होगा तो 1.819, 809, 795 ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं सेल साइड के। और अगर मार्केट ने अप मूव लिया, यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया, तो 1.839, 846, 854 और 862 ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए। सो आई होप ये लेवल्स आपको क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स की। तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स के चार्ट ओपन करेंगे, और यहाँ से हमें लोअर लेवल्स को फिर से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई भी लेवल मार्किंग नहीं है। तो जो कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे हैं कि लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, तो एक बार यहाँ से समझ लीजिए कि कैसे मार्क करना है। ईजी है, बहुत ईजी है। और देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, हम सबसे पहले इसी को मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पे मार्केट ने ओपनिंग दी, यहीं क्लोजिंग दी, साथ के साथ नेक्स्ट जो कैंडल है इसी के अराउंड मार्केट ने ओपनिंग दी, तो एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। अब हम पिवट्स की हेल्प ले लेते हैं। पिवट्स में यहाँ पर हमें S2 देखने को मिल रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। पिवट्स पे भी हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आवली चार्ट पे थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री में अगर हमें कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो हम इनके लेवल्स को मार्क करेंगे, अदरवाइज इसको आप डिलीट कर दीजिए। मैंने गलती से क्लिक कर लिया, ये हमारा कोई लेवल नहीं है। डे के चार्ट पे हम स्विच करेंगे, डे के चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट इतना लो आई है अभी तक, मार्केट इतना लो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था अपने लेवल्स को मार्क करने का, वो था पिवट्स, तो हमने उसको मार्क कर लिया है। अब हम और अगर मार्किंग करनी है आपको, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, डे के चार्ट पे, आवर्ली चार्ट पे कोई लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम 15 मिनट्स के चार्ट पर स्विच कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पर स्विच करके पिवट्स ऑन करेंगे। यहाँ पे हमें S4 भी देखने को मिल रहा है और S5 भी देखने को मिल रहा है, जिनको आप मार्क कर लीजिए। ये अब हमारे को और ज़्यादा क्लियरली गाइड करेंगे सेल साइड के ट्रेड्स के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिसिसिव लेवल्स को मार्क करना है। सबसे पहले जो ब्लैक लाइन, इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। इस टाइम पर डिसिसिव लेवल हमारा एक ही है, जहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस मूव कर रहा है, जिसके बहुत पास है, वो है 135.5। ये अगर ब्रेक हो गया सेल साइड की तरफ, तो 134.3, 132, 130.8, 138.3 ये हमारे सेल साइड के मूव्स रहने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो 137.3, 138.2, 139, 140, 141.3 ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं। तो इन लेवल्स में कुछ लेवल्स थोड़े से बड़े हैं और कुछ लेवल्स थोड़े से
छोटे एरियाज में कन्वर्ट हो रखे हैं, जैसे ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। तो इन दो लेवल्स में अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लगता है तो आप इसमें एंट्री एग्जिट मत कीजिए, सॉरी एंट्री मत लीजिए। जब अपर लेवल के ऊपर क्रॉस कर जाएगी मार्केट तभी अगले ट्रेड में एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज आप इसमें अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रख सकते हैं तो आप इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए 138.2, और अगर ये ब्रेक हो गया तो 139.4 का आपको एक बड़ा मूव और एक बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये लेवल्स क्लियर हैं, आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।